सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन इस चैप्टर में हम लोग कुछ आठ टैब्स नौ टैब्स हैं एग्जाम्पल्स को मिला के तो मैंने इस चैप्टर को बहुत सारे टैब्स में ब्रेक किया है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फार्मूलाज विच दिस चैप्टर हैव अगर ये समझ आ गया तो या रिवाइज कर लिया आप लोगों ने तो आप ऑलमोस्ट सारे सवाल जेई मेन्स लेवल पर और नीट लेवल पर कर पाएंगे तो लॉस की बात करते हैं कैप्लर्स लॉ केप्लर के तीन लॉ होते हैं फर्स्ट लॉ होता है ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द द सन सन एट वन ऑफ फोसाई ठीक है तो ये इलिप्स इसका माइनर एक्सिस ये मेजर एक्सिस ये लेंथ ए है अगर सेमी सेमी मेजर एक्सिस ये बी है अगर तो सन इसका यहां पर होगा और प्लानट यहां पर होगा ये प्लानट पी ये सन एस और ये माइनस ए कॉमा जीरो होगा एसेंट्रिसिटी होती है दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वे बाई ए हमको ध्यान रखना है सेकेंड लॉ क्या बोलता है सेकेंड लॉ बोलता है द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लान स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो अगर इस प्लानट पी को पॉइंट वन से पॉइंट टू तक आने में कुछ डेल्टा टी टाइम लगता है दिस इज पॉइंट टू तो उतने ही टाइम में ये प्लानिट पॉइंट से पॉइंट अगर ट्रेवल करेगा तो ये दोनों एरिया एरिया वन और ये एरिया टू ये दोनों एरिया बराबर होंगे मतलब इसकी एरियल वेलोसिटी सेम होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट थर्ड लॉ है द स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेचर सेमी मेजर एक्सेस स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सेस ठीक है तो ये तीन लॉज थे फिर बात करते हैं हम न्यूटन्स के लॉ की तो न्यूटन्स लॉ इज फोर्स एफ एक्सप्रेशन है इसका अगर ये दो मेरे पास प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं मास एम और ये स्मॉल मास स्मॉल एम सॉरी मास एम और ये स्मॉल एम मास और इनके बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो न्यूटन स्लॉब कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस तो ये जो प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आएगा ये आएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इज़ इक्वल टू सिक्स इन टू टेन टू दावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर पर नाउ लेट्स डिस्कस ग्रेविटेशन फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड इज गिवन एज फोर्स या पहले इसको समझ लेते हैं ये एक मास कैपिटल एम मास है और इससे आर डिस्टेंस पर हमको फील्ड निकालना है इसका तो हम यहाँ एक टेस्ट मास लाएंगे और इस टेस्ट मास पर फोर्स देखेंगे तो फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है यह भी हमने पढ़ा है और अगर फोर्स इसको हम एफ वेक्टर में लिखें तो ये माइनस आर कैप वेक्टर होगा वेर आर कैप वेक्टर इज आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं मैं ठीक है तो फील्ड ऑफ दिस कैपिटल एम मास विल बी गिवन एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास तो दिस विल बी जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर माइनस आर कैप माइनस आर कैप का मतलब हुआ रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में ये पॉजिटिव लेते हैं हम इसको तो इसको रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट से नेगेटिव लेना पड़ेगा तो ये इसका एक्सप्रेशन हुआ नाउ लेट्स डिस्कस ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पॉइंट मास रिंग डिस्क स्फीयर एंड हॉलोस्फियर तो पॉइंट मास का फील्ड अभी देखा हमने इट इज मैं मैग्निट्यूड लिख रहा हूं इट इज जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा रिंग का फील्ड होता है ई इज इक्वल टू जी कैपिटल एम एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर थ्री बाई टू इसमें ये रिंग हुई और इस रिंग का मास है कैपिटल एम और इसका रेडियस है ए और हमको एक्स डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए तो फील्ड एट दिस पॉइंट इज गिवन एज ई एंड दिस इज जी एम एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर थ्री बाई टू नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ डिस्क दिस इज अ डिस्क ऑफ रेडियस ए मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल एम distance x from its center the gravitational field at point p will be given as e and this e is equal as equal to 2gm x upon a square times 1 by x minus 1 upon root of a square plus x square okay or we can write it in terms of this angle theta this is 2gm upon a square 1 minus this distance pm or this distance pq is root of a square plus x square so this is 1 minus cos of theta

ए तो इस पॉइंट पर इनसाइड फील्ड होता है जी एम एक्स अपॉन ए क्यूब फील्ड इज जी एम एक्स अपॉन ए क्यूब ऑन द स्फीयर सेकेंड इज ऑन द स्फीयर व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए तो यहां पर आएगा फील्ड इज जीएम अपॉन ए स्क्वेयर

ठीक है अब आते हैं हम हॉलोस्फियर की बात करते हैं तो हॉलोस्फियर में इनसाइड होता है फर्स्ट केस है व्हेन एक्स इज लेस देन ए तो फील्ड विल बी जीरो ऑन इट इट विल बी एक्स इज इक्वल टू ए सो ई इज जी एम अपॉन ए स्क्वेयर एंड थर्ड इज

टू पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम एम अपॉन आर ये आपको ध्यान रखना है एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो अगर ऐसा कोई भी अरेंजमेंट आपको मास का दिया हो सपोज करो ये एक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पर मास स्मॉल एम है यहाँ पर इस वर्टेक्स पर टू एम है और इस वर्टेक्स पर मास थ्री एम है और सारे डिस्टेंसेज यहाँ पर ए हैं तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी minus g 2 m square upon a minus g 3 m square upon a or minus g 6 m square upon a. So, this is the final answer is minus 11 g m square over a. This is the total potential energy of the system. Now comes एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल राइट तो एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन एज वी एंड इट इज गिवन एज यू अपॉन टेस्ट मास एम अगर इसको चेंज इन वी की बात करें तो चेंज इन वी इज इक्वल टू चेंज इन यू अपॉन टेस्ट मास एम सो इफ फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज माइनस जी एम एम अपॉन आर तो पोटेंशियल विल बी गिवन एज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम दिस एम कैंसल्स आउट एंड वी हैव वी आर एज माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर अब देखते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स तो पॉइंट मास का ग्रेविटेशन पोटेंशियल अभी लिखा हम लोगों ने माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस माइनस जी एम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वे प्लस एक्स इसमें रिंग कैसा दिखता है रिंग होगा ऐसा कुछ ठीक है इसका मास कैपिटल एम होगा इसका मास कैपिटल एम होगा इसका रेडियस ए है तो ये इसका रेडियस हो गया और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमको अगर पोटेंशियल लिखना है तो दिस विल बी गिवन एज माइनस जी कैपिटल एम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्वे ठीक है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए डिस्क होगा ये डिस्क है मास एम रेडियस ए और डिस्टेंस एक्स पे मुझे निकालना है तो वी विल बी गिवन एज टू जी एम अपॉन ए स्क्वेयर एक्स माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सो दिस इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ अ डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सेस ठीक है नाउ लेट्स मूव टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ स्फियर इन साइड इट स्फियर का मतलब सॉलिड स्फियर इनसाइड इट ऑन इट एंड आउटसाइड इट तो सबसे आसान इसका आउटसाइड वाला है so v is given as minus g capital m upon x on it it will be minus g capital m upon a where a is its radius a is the radius of the sphere x is the distance from its center right inside solid sphere the field is given as e is equal to minus g m upon टू ए क्यूब थ्री ए स्क्वेयर माइनस थ्री ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ठीक है दिस इज थ्री ए क्यूब है ये तो वेर एक्स इज द पॉइंट वेर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर ए इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर तो ये तीनों फॉर्मूले हमको ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है अब आती है पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर इनसाइड कांस्टेंट होता है पोटेंशियल और ये होता है माइनस जी कैपिटल एम अपॉन ए ठीक है ऑन द स्फियर पोटेंशियल सेम होता है माइनस जी कैपिटल एम अपॉन ए and outside it is given as minus G capital M upon x, where a is again the radius of this sphere and x is the distance from its center. सबसे important बात ये है ध्यान देने वाली यहाँ पर कि a जो है radius है पहली बात, दूसरी बात potential constant होता है center से लेके surface तक लोस्फियर केस में ठीक है सो लेट सी वन एग्जाम्पल दिस इज अलोस्फियर इनसाइड दिस हॉलोस्फियर अड स्पियर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज केन एंड द हॉलोस्फियर इज कंप्राइजिंग ऑफ आर टू मैस ऑफ सॉलिड स्फियर इज कैपिटल एम मास ऑफ हॉलोस्फियर इज टू एम वी वॉन्ट टू फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट और लेट्स से वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड सॉलिडस्फियर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर सो द केस इज एक्स इज स्मॉल एज कंपेयर्ड टू आर वन राइट तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है तो नेट पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ऑफ सॉलिड सॉलिडस्फियर प्लस पोटेंशियल ऑफ हॉलोस्फियर पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर कैसे दिया जाता है यह होता है माइनस जी एम अपॉन टू ए क्यूब यहां पर टू आर वन क्यूब हो जाएगा पोटेंशियल होता है कांस्टेंट होता है माइनस जी टू एम अपॉन आर टू ठीक है यह हमको ध्यान रखना है नाउ लेट्स डिस्कस रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल तो इसको मैं डिराइव भी कर सकता हूं डी वी इज गिवन एज माइनस डी यू बाई एम होता है ये डी यू इज माइनस डी डब्ल्यू सी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन तो ये हो जाएगा यहां पर प्लस डी डब्ल्यू सी सॉरी सो डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई एम और डी यू की वैल्यू होगी माइनस डी डब्ल्यू सी बाई एम एंड दिस इज माइनस एफ सी डॉट डी आर अपन एम वेयर एफ सी इज रिप्रेजेंटिंग कंजर्वेटिव फोर्स डी डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटिंग वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है पढ़ा है हमने और फोर्स अपॉन मास को हम इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते हैं तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर दिस इज द रिलेशन बिट्वीन फील्ड एंड पोटेंशियल तो ई e की वैल्यू होती है ई थीटा इज गिवन एज माइनस डी वी बाई डी आर तो वी मान लो जितने वेरिएबल्स का फंक्शन है मान लो तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है तो हमको फील्ड का डायरेक्शन या फील्ड के उतने ही कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे जितने यहां पर वेरिएबल्स होंगे तो हमको ई एक्स मिलेगा हमको ई वाई मिलेगा और हमको ई जेड मिलेगा ठीक है ई एक्स विल बी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स ई वाई विल बी माइनस डेल वी बाई डेल वाई और ई जेड विल बी माइनस डेल वी बाई तो डिफ्रेंशिएशन करने से हमको पोटेंशियल मिलेगा और अगर हमें पोटेंशियल निकालना है फील्ड से तो उसके लिए ई e दिया हुआ है ठीक है तो ई इज गिवन टू मी आज ई एक्स आई कैप प्लस कैप तो मैं पहले डी आर निकालू लिखूंगा डी आर इज डायमेंशनल एलिमेंटल डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप देन आई विल फाइंड डी वी विच इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर और फिर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा अप्रोप्रिएट लिमिट्स में दैट इज हाउ आई विल गेट वी एज अ फंक्शन ऑफ सॉरी वी फ्रॉम ईके नाउ लेट सी वेरिएशन इन एक्सीरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट सो वी हैव अर्थ हि एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज स्मॉल आर और इससे एच हाइट पर एक मास है स्मॉल एम का मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम ठीक है सो दिस इज एच तो फोर्स क्या होगा फोर्स होगा जी कैपिटल एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अर्थ के सरफेस पे जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो हम एफ डैश से निकालेंगे दैट इज अपॉन ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एफ अपॉन एम दिस इज जी नॉट एंड दिस इज जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर राइट तो यहां से आर स्क्वेयर कॉमन निकाला और इसको अगर फील्ड के लिए लिखा तो ये आ जाएगा एफ बाई एम एंड दिस विल बी जी कैपिटल एम आर g प्लस एच बाई इक्वल टू जी नॉट टाइम्स वन प्लस एच बाई आर का होल माइनस टू नाउ इफ एच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर और ट्स राइट इट लाइक दिस या इफ इट्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर देन जी विल बी जी नॉट टाइम्स वन माइनस टू एच बाई आर तो ये एक्सप्रेशन होता है जी के लिए वेरी स्मॉल का मतलब होता है अंडर फाइव परसेंट ठीक है डेप्थ के साथ अगर देखेंगे विथ डेप्थ तो जी विल बी जी नॉट टाइम्स वन माइनस डी बाई आर वेर डी इज द डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ और प्लैनेट ठीक है विथ रोटेशन ऑफ अर्थ दिस इज अर्थ मास रेडियस आर तो सेंट्रिकूगल फोर्स इधर लगेगा दिस विल बी इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये आर रेडियस के सर्कल पे रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट सेंट्री फ्यूगल फोर्स होगा एम ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस थीटा और इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर जो होगा एम ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस स्क्र थीटा और टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगेगा एम जी नॉट तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हो गया एम जी इसको स्मॉल आर लिख देता हूँ रोटेशनल के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए एम जी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर आर कॉ स्क्वेयर थीटा तो जी आर की वैल्यू आई जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कॉ स्क्टा थीटा जब जीरो होगा थीटा जब जीरो होगा तो इक्वेटर पे होगा ये ऑब्जेक्ट और इक्वेटर पे जी आर की वैल्यू होगी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर तो ऑब्जेक्ट का वेट सबसे कम इक्वेटर पे होता है और थीटा नाइन्टी डिग्रीज होगा जी आर विल बी इक्वल टू जी नॉट मतलब पोल्स पर ये पोल की कहानी है पोल्स पर एक्चुअल जी नॉट मिलता है ट्रू वेट मिलता है ठीक है तो अब आगे चलते हैं प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स पर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन तो पहले तो एक प्लैनेट बना लेते हैं हम दिस इज द प्लैनेट और ये इसके सैटेलाइट का ऑर्बिट हो गया सैटेलाइट इस ऑर्बिट पे घूम रहा है ठीक है तो प्लैनेट का रेडियस है आर और ऑर्बिट का रेडियस है आर नॉट ठीक है तो द स्पीड ऑफ द सेटेलाइट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो वी ओ की बात करते हैं प्लानिट का मास कैपिटल एम है और सेटेलाइट का मास स्मॉल एम है तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सबसे पहले हम इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज जी एम एम अपॉन आर नॉट का स्क्वेयर this is equal to m v naught square upon r naught so v naught is equal to root of g m upon r naught yeah is the orbital velocity of time period of rotation so time period i 2 pi r naught upon v naught so this will be 2 pi r naught upon root of g m और यहां आर नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां आप देख सकते हैं कि t इज प्रपोर्शनल टू आर नॉट टू दावर थ्री बाई टू है और अगर इसको स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो वॉट वी गेट इज टी इज प्रपोर्शनल टू आर नॉट क्यूब तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस था पर यहां पे सर्कुलर यह ऑर्बिट है इसलिए इट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट तो टाइम पीरियड ऑर्बिटल वेलोसिटी देखा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी सिर्फ सेटेलाइट मूव कर रहा है तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर सो दिस इज हाफ एम जी कैपिटल एम अपॉन आर नॉट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर नॉट टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस विल बी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर ठीक है तो टोटल एनर्जी ऑर्बिटल वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और टाइम पीरियड ये हमको सारे मिले अब लास्ट है हमारा स्केप विलॉसिटी स्केप विलोसिटी क्या होता है मिनिमम विलॉसिटी रिक्वायर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट टू स्के ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लान इस प्लानिट के ग्रेविटेशनल पुल को स्केप करना है इस पार्टिकल ठीक है तो मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज एम एंड मास ऑफ द प्लानिट इज कैपिटल एम रेडियस ऑफ द प्लान इज कैपिटल आर इसको किस विलॉसिटी से फेंकेंगे कि ये इसके ग्रेविटेशनल पुल को स्केप कर जाए ग्रेविटेशनल पुल को स्केप करने का मतलब है ये यहां पहुंच गया कहाँ पहुंच गया इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो वेलोसिटी एट इन्फिनिटी क्या होगी इसकी मिनिमम इसको यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ जीरो होना चाहिए ठीक है तो एनर्जी कंजर्व करवाएंगे यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली क्या है यहाँ पर हाफ एम वी ई स्क्वेयर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर और यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जीरो और यहां पर ये है तो इक्वेट करेंगे हम सो इट इज हाफ एम वी स्क्वेर माइनस जी एम एम अपॉन आर दैट इज रेडियस ऑफ द प्लानिट इज इक्वल टू जीरो सो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ टू जी कैपिटल एम अपॉन आर ये स्केप वेलोसिटी है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 11.2 पॉइंट टू किलोमीटर्स पर सेकेंड वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर काफी सारे फॉर्मूलेस थे पर हमने सारे कवर किए हैं अगर आपको ये याद रहेगा फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं अगर आपने एक बार ये माइंड मैप देख लिया है तो नाउ डोंट गो इन टू वीडियो मोड इसको सुनो आंख बंद करके फॉर्मूलेस को ध्यान करने की कोशिश करो और माइंड मैप जो मैं आपको सैंपल दे रहा हूं उसको भरिए आप अपने से तो व्हेन यू विल प्रैक्टिस इट यू विल रिमेंबर इट ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर गुड बाय